हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से, और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उसमें ऑलरेडी हम मोशन की जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, टाइप्स ऑफ मोशन दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या जिसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं, तो कितने तरह के डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हैं, इसके अलावा हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा और उनके टाइप्स पढ़े हैं। तो आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू डिराइव दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन और ये कौन सी इक्वेशंस हैं। नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ये बेसिकली हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं विच आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो वो ऑब्जेक्ट्स जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही हैं। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, एंड इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट सेम रेट, वो सेम रेट पे इक्वल रेट पे इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं दैट इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है एक बार फिर से हम देख लेते हैं, हालांकि हम अपने पुराने जो पिछले वीडियोस हैं उसमें हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है। सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट object changes at same rate, at same rate, और ये हमने पहले भी बात की थी कि जब हम रेट की बात करते हैं फिजिक्स में, we are actually comparing it with time, कोई भी quantity with time जब change होती है तो हम कहते हैं कि वो रेट, हम उसको कहते हैं कि equal rate, unequal rate, so that means we are comparing that quantity with time। तो जब भी कोई वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो वी कॉल इट दैट इट इज चेंजिंग एट सेम रेट, द ऑब्जेक्ट इज सेट टू शो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इट इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और द ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ये जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करती हैं, तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है तो उसके जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज के बारे में हम बात करते हैं और उन क्वांटिटीज को कैसे हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं और हाउ दीज क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, उसके बारे में हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। सो देयर आर बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन समझने के लिए सबसे पहले हमें उन क्वांटिटीज के बारे में बात करनी पड़ेगी। सो सबसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑब्वियसली इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्ट वेलोसिटी है, किसी ना किसी पॉइंट से हम उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो स्टडी करना शुरू करते हैं, या वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से शुरू होगी, अगर वो रेस्ट से शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, अगर वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी कुछ पहले कुछ वेलोसिटी है और चेंज होने के बाद उसके कोई और वेलोसिटी है, जो फर्स्ट वेलोसिटी है उसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और चेंज होने के बाद जो वेलोसिटी आई है उसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज, सो जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो पहली वेलोसिटी है, या इसे हम फर्स्ट वेलोसिटी कह सकते हैं, दैट इज यू। यू जो है वो जीरो हो सकती है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो रेस्ट से अपनी मोशन शुरू कर रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी कैन बी जीरो और इट कैन नॉट बी, इट मे बी जीरो और इट मे नॉट बी जीरो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होने के बाद अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल
एक बस जो है वो ऑलरेडी 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए, जब ब्रेक लगाए तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम होके 40 किलोमीटर पर आर आ गई है। तो अब ये क्या है, जो वेलोसिटी चेंज हुआ, चेंज होने के बाद जो वेलोसिटी आई है, नाउ दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर इंक्रीज हो रही है, अगर कोई पर्सन 10 किलोमीटर पर आर से जा रहा है, उसने एक्सेलरेट किया और उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आर हो गई है, तो 10 इज द इनिशियल वेलोसिटी, 20 उसकी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होने के बाद जो वेलोसिटी हमें मिलती है, नाउ दैट इज वी। अब वी भी, अब सपोज कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो ब्रेक लगाने के बाद रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो सकती है, या जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और उसमें कोई वेलोसिटी चेंज आया और उसकी जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हो गई है, तो वेलोसिटी कैन बी मोर देन जीरो। तो वी जो है ये इट मे बी जीरो, इट मे नॉट बी जीरो, वो जीरो भी हो सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती। ठीक है जी, इसके बाद अगली क्वांटिटी जो है वो है हमारी एक्सेलरेशन, दैट इज ए, द रेट ऑफ चेंज, किस रेट से जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। एंड फोर्थ क्वांटिटी इज टाइम। ठीक है जी, अब पांचवी क्वांटिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब ये जब मोशन हो रही है तो उस मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्प्लेस हुई है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, दैट इज गिवन बाय। सो ये क्वांटिटी समझना बड़ा जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट विद इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये है हमारी पांच क्वांटिटीज जिनके बारे में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में बात करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते हैं। हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन ये अलग अलग जो क्वांटिटीज हैं उनके बीच में रिलेशन बताता है। अगर हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन पता है कि वो कौन सी दो चीजों के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो हमने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस समय पे हमें आसानी रहती है ये समझने में कि हम कौन सी क्वांटिटी हमें दी हुई है और हमने कौन सी क्वांटिटी पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो रिलेशनशिप है इट इज बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम। जो पहली रिलेशनशिप है वो है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। सो दैट मींस इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, और ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस at, दैट इज फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है जी, ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज पोजीशन टाइम, या जिसे डिस्टेंस टाइम इक्वेशन भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन भी कहते हैं, पोजीशन टाइम इक्वेशन भी कहते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं। सो दिस इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो दिस गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन, इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है। थर्ड इक्वेशन इज पोजीशन velocity relation or position velocity equation, distance velocity equation, displacement velocity equation, ये हम कह सकते हैं। So third equation is 2as is equal to v square minus u square। तो तीन अलग अलग equations जो अलग अलग quantities के बीच में हमें relationship बताते हैं to understand the object, the motion of the object which is moving with uniform acceleration। ठीक है जी, तो ये है हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलिए अब हम इन इक्वेशंस की डेरिवेशन शुरू करते हैं, इन्हें डिराइव कैसे करना है, हाउ डू वी यू नो अराइव एट दीज इक्वेशंस, ये हमें कैसे मिली हैं ये इक्वेशंस। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट स्टडी करनी पड़ेगी जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है। सो लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे
जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओ है, दिस इज द टाइम एक्सिस जिसको हम सेकेंड्स में लेते हैं, डिनोटेड बाय टी. सिंस इट इज अ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हम किन दोनों चीजों के बीच में प्लॉट करेंगे? दिस इज गोइंग टू बी अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्योंकि हम एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. So on this side we have velocity on y-axis, jiska unit hai meter per second. Now let us say ki hamari ek object hai which is already in motion. Wo already kisi particular motion se ja rahi hai, usse kuch velocity hai. Hum zero nahi maan ke chalenge yahan pe ki wo already kuch particular velocity se ja rahi hai. To hum यहां पे उसकी वेलोसिटी ले लेते हैं कि लेट अस से कि इट इज ऑलरेडी मूविंग विद सम वेलोसिटी, और यहां से उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई अप टू दिस पॉइंट. ठीक है जी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और ये हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी. और उसको कितना टाइम लगा? उसको टाइम लगा टी. ठीक है, तो यहां पर हम इसे जॉइन कर देंगे एक्स एक्सिस के साथ ताकि हमें टाइम पता चल सके. सो दिस इज द टाइम टी. इतने टाइम में जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी यहां से यहां पर इंक्रीज हो गई. कितनी इंक्रीज हुई वो हमें पता चलेगा वाई एक्सिस से. सो यहां पे हमें लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये जो लाइन है ये हमें बताती है चेंज इन टाइम. टाइम चेंज कितना हुआ है यहां से यहां तक. चलिए अब हम ये जो ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां पे नाउ वी हैव टू डिराइव एट वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इजंट इट. हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं. हमने पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशन उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हमें वेलोसिटीज पता होनी चाहिए, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, हमें फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए. ठीक है, तो यहां पे अब मैं ये वाला जो पॉइंट है यहां से भी एक जो पैरेलल लाइन है वो ड्रॉ कर देती हूं. दिस इज ए बी, सो लेट दिस पॉइंट बी सी डी ई. तो ये हमारे जो सारे पॉइंट्स हैं ये आ गए. तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी? What is our final velocity? Final velocity is this. ये हमारी final velocity है, ये वाली जो velocity है. ठीक है, so final velocity is bc. And what is our initial velocity? Initial velocity हमारी ये वाली है. Initial velocity is oa. OA we can say or we can say BC. यहां पर भी जो BC है ये इसके बराबर है, so we can say either BC or we can say OB. ठीक है जी, so here our final velocity, ये जो BC है this is equal to what? This is equal to CD plus BD. जो final velocity है BC it is equal to BD plus DC. Isn't it? So, हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हम कैसे निकालेंगे? Because we need to know about the change in velocity. So, change कितना हुआ है? Change in velocity कैसे निकालेंगे? Change in velocity क्या है? यहां से हमारी velocity यहां पहुंच गई. ये हमारी initial velocity थी और increase होते होते velocity यहां पहुंच गई है. So, change in velocity is BC, change in velocity is BD, which is equal to BC minus DC. Change in velocity है BD हमारा जो कि BC minus CD है. और we can say this side also. ठीक है, चलिए इसे अब हम ऐसे रहने देते हैं. तो ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन कि ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी है. Okay. Next is
What is the change in time? और ये जो velocity change हुई है, ये कितने time में change हुई है? ये change हुई है from O to C. ये वाला जो time है, या हम ये कह सकते हैं कि A to D. A to D का जो time है, इतने time में ये velocity change हुई है. So we can say change in time. Or in other words, we can say time taken. So कितना time लगा है? AD. Now AD is equal to OC, which is equal to T. So AD जो है ये OC के बराबर है, जो कि T है, ये हमारा time T है, isn't it? अब हमने क्या पता करना है? Acceleration. Obviously जब जो object है उसका उसकी velocity change हो रही है in particular time interval. तो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं. सो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. टाइम टेकन, उस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा. सो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी इज बीसी माइनस सीडी. बीसी में से CD माइनस हो गया, तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी है. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये हमारा u है और ये वाली जो हमारी वेलोसिटी है ये ओके वी कैन से ये वाली जो हमारी वेलोसिटी है ये हमारी v वेलोसिटी है. सो CD इज आल्सो इक्वल टू, ये यहां पे हमने लिखा है OA, व्हिच इज इक्वल टू u, दिस इज इक्वल टू v. ठीक है, तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं? BD, that is change in velocity is BC, V minus U. So change in velocity कितनी है? Change in velocity है BD. Time taken कितना है? Time taken है AD. Time taken is AD. So BD is what? BD हमने यहाँ पे already find out कर लिया है. BD is V minus U और time taken कितना है? T. So acceleration, that is A, is equal to V minus U over T. और A यहाँ times के साथ multiply हो जाएगा, is equal to V minus U. और we can say V हम यहाँ रख लेते हैं, U इधर आ गया, तो क्या हो गया? U plus AT. Exchanging sides, V is equal to U plus AT. तो ये है हमारी पहली equation of motion, that is velocity time relationship for an object which is moving with uniform acceleration. Now next is agli jo relationship hai wo kaun si hai? Next relationship is distance time relation. Ab jab humne velocity time graph se distance pata karna hai to ye humne dekha tha pehle kaise distance nikalte hain hum. We find out the area under the curve. तो ये हमारा area under the curve कह लो या area under the graph कह लो, ये हमारा AB है और इसके अंदर कितना area है? Now this is the area under the graph. तो ये क्या है? This is in the shape of a trapezium. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक trapezium की shape है. ठीक है, तो इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो हमें बताएगा डिस्टेंस कवर्ड. तो हमारी सेकंड जो रिलेशनशिप है व्हिच इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन टाइम और डिस्टेंस टाइम रिलेशन, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कैसे कैलकुलेट होगा? दैट विल बी इक्वल टू area under the graph AB. और area under the graph क्या है? AB क्या है? Area of trapezium OABC. तो ये जो हमारा trapezium है हमने इसका area निकालना है OABC. So area of trapezium का क्या formula है? So, यहां पे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है वो अगर हम इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकाल दें, ये वाला जो रेक्टेंगल है
और इस ट्राइंगल का फॉर्मूला, इन दोनों का अगर हम एरिया निकाल देते हैं, ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया मिला के क्या बनेगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया बन जाएगा। सो ये हमारा ट्राइंगल है जिसका हमने एरिया निकालना है और ये हमारा रेक्टेंगल है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। इन दोनों का जो एरिया है इसको प्लस कर देंगे तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। सो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सो इट इज OC इनटू CD प्लस, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू एडी इंटू बीडी, ठीक है जी। सो ओसी कितना है, ओसी इज टी, ओसी जो है ये टी है। नाउ सीडी कितना है, सीडी इज इक्वल टू ओ ए विच इज इक्वल टू यू, ये इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, और यहां पे हाफ एडी कितना है, एडी इज टी, और बीडी कितना है, बीडी जो है दिस इज हमने जो हमारी पिछली इक्वेशन थी वहां पे हमने देखा था दैट बीडी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और वी माइनस यू किसके बराबर है, वी माइनस यू जो है इट इज इक्वल टू ए टी। वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, इजंट इट। सो बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू हम लिख सकते हैं, और वी माइनस यू किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। तो ये क्या हुआ, टी इंटू यू दिस बिकम्स यू टी प्लस हाफ इंटू टाइम, और वी माइनस यू इज ए टी। So this becomes ut plus half at square. और ये क्या है? This gives us the area. This gives us the distance covered by the object. So it is denoted by s. जो distance covered है वो s से denote होता है. So this is our second equation of motion. Position time relationship. ठीक है जी? नेक्स्ट हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, इट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप या पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। तो यहां पर भी पोजीशन मींस हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कैसे दिया जाएगा, इट इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के दो तरीके हैं, एक हम देख चुके हैं कि हमने रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया अलग अलग कैलकुलेट किया, उसे प्लस कर दिया। नाउ देयर इज अनदर वे ऑल्सो, अनदर वे क्या है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम डायरेक्टली निकालते हैं, वो कैसे, दैट इज सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ इनटू। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहां पे पैरेलल साइड्स कौन सी है, OA एंड BC are parallel to each other, और इनकी हाइट कितनी है, हम AD मान सकते हैं या OC जो है इसकी हाइट है, ठीक है। So it is equal to, so S is equal to half into sum of parallel sides. This is one parallel side, that is OA plus this is another parallel side which is BC into height. Height क्या है, height is this AD,
So, what we can write? S is equal to half into U. OA जो है ये U है और BC क्या है? V है. So this is U plus V. Or what is this? This is T. ये T है, isn't it? But now this is a position velocity relationship. तो हम यहाँ पे ये time वाला component नहीं लेंगे. टाइम के कंपोनेंट की जगह क्या लेंगे? आपने फर्स्ट जो इक्वेशन है वहां पे देखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है. तो यहां पे हम टाइम t कैसे लिख सकते हैं? v माइनस u डिवाइडेड बाय a, ऐसे लिख सकते हैं. तो यहां पे टाइम कंपोनेंट को हम रिप्लेस करेंगे बाय द वेलोसिटी कंपोनेंट. सो दिस बिकम्स v माइनस u डिवाइडेड बाय a, इजंट इट? सो ये क्या आ गया? This becomes 1 by 2a into v plus u into v minus u. U plus v और v plus u एक ही बात है. तो अब ये कौन सी इक्वेशन हो गई? यहां पे 2a will be multiplied by s, 2a s आ गया. a plus b into a minus b क्या होता है? a square minus b square. So v plus u into v minus u is v square minus u square. So this becomes your थर्ड इक्वेशन, दैट इज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशनशिप. तो ये है हमारी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन. इसके बाद देयर इज अ डिस्कशन अबाउट द ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन. और एंड जो ऑब्जेक्ट है जब सर्कुलर मोशन में मूव करती है, चलिए हम उसकी जो मोशन है डिस्कस करते हैं. उसके लिए लेट अस स्टार्ट विद एन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन. जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. नाउ सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ रेक्टेंगुलर पाथ. तो अगर वो रेक्टेंगुलर पाथ बट इट इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ठीक है जी, तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का पाथ कितनी बार चेंज हो रहा है? इट इज गोइंग टू चेंज इट्स पाथ एट एवरी कॉर्नर. हर कॉर्नर पे उसका पाथ चेंज होगा और जितनी बार उसका पाथ चेंज होगा उतनी बार उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. तो एक रेक्टेंगल में, रेक्टेंगुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी चार बार चेंज हो रही है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पेंटागन. अगर एक ऑब्जेक्ट एक पेंटागन शेप में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो रही है? 5 टाइम्स. अगर वो एक हेक्सागन पाथ में मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो रही है? 6 टाइम. सिमिलरली हेप्टागन, ऑक्टागन, जितनी जो साइड्स हैं उसके पाथ की इंक्रीज होती जाएंगी उतनी ही बार ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. नाउ व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल आप लोग, सर्कल की डेफिनेशन आपको पता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सिंगल पॉइंट, जिसको हम सेंटर कहते हैं. तो वो सर्कल जो है वो उन पॉइंट्स की कलेक्शन है जो एक सिंगल पॉइंट से सारे इक्वल डिस्टेंस पे है, इजंट इट? सो दैट मींस टू रिमेन एट इक्वल डिस्टेंस हर पॉइंट जो है वो एक अलग डायरेक्शन में होता है, ठीक है? तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है. दैट मींस इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट. हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि उसने वो सर्कुलर पाथ मेंटेन करना है. तो जो सर्कुलर पाथ है वो तब मेंटेन होगा जब हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और वो घूमेगी उस सर्कुलर पाथ में. सो इन अ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और इट्स डायरेक्शन वी कैन से इट्स डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इट इज मूविंग विद सेम स्पीड. उसका जो रेट ऑफ मोशन है वो सेम है. तो ऐसी जो ऑब्जेक्ट होती है विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और उसकी जो वेलोसिटी है वी कैन से और स्पीड वी कैन से कि वो सेम है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं दैट इज इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
ठीक है जी। तो ये है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमारे आसपास हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। फैन सर्कुलर मोशन में है, एक साइक्लिस्ट जो है सर्कुलर ट्रैक में अगर साइकिलिंग करता है तो वो एक सर्कुलर मोशन है। एक एथलीट अगर सर्कुलर ट्रैक में दौड़ता है वो सर्कुलर मोशन है। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन, और मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ दैट इज सर्कुलर मोशन। सो बहुत सी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कैसे निकाली जाए? वेलोसिटी इज, हाउ डू वी फाइंड आउट वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कितना है? सपोज हम ये जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यहां से हम शुरू करते हैं कि इसने एक सर्कल ये कंप्लीट कर लिया। नाउ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जो सर्कल की बाउंड्री है वही उसका डिस्टेंस कवर्ड है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? इट इज 2 पाई आर अपॉन टी। सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय द इक्वेशन 2 पाई आर बाय टी। सो दिस इज अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो यू कैन गिव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।